और अभी हमें यहाँ आए हुए हो चुके हैं 2 घंटे और अब लग चुकी है हमें भूख। खाने के लिए हम साथ में कुछ लाए हैं, अनियंस, प्याज, टॉफी। टॉफी तो बच्चों के लिए लाए हैं लेकिन बाटी नहीं है, भूल गए थे। और मैगी के पैकेट, मैगी जो कि नहीं खानी चाहिए डेली लेकिन कभी कभी खाने में मज़ा आएगा। रोटी भी लेके आए, रोटी एंड सब्जी। रोटी कम थी इसलिए हम मैगी के 2 पैकेट ले आए। आइए ने बनाते हैं। मुझे कुछ मिर्चों की ज़रूरत है, घर में तो नहीं है बाकी मैं खेत में लगी हुई है, यहाँ पर ताज़ी ताज़ी तोड़ लो। तो हम लेकर आए थे लेकिन ये रही मिर्च, एक ये रही, एक ये रही, प्याज हम लाए थे साथ में अपने मिर्चों की भरमार। ये रही मिर्च, 4 मिर्ची। कच्चा होगा लेकिन ये है। अभी पड़ा तो इतना हो गया कि। और आपको दिखाते हैं मक्का अंदर से कैसा है, सही है या हमने पहले ही तोड़ लिया है इसके। अभी ये खाने लायक नहीं हुआ है, कुछ टाइम और रहता तो हो जाता, उससे पहले ही हमने तोड़ लिया इसे। फिर भी खा ही सकते हैं, मीठा लग रहा है। और ये पका नहीं था, कच्चा ही था, लेकिन खाने में लग रहा है काफी अच्छा, मजा आ रहा है, मीठा मीठा सा लग रहा है। और देखिए वहां सामने आ चुकी है बिल्ली, उससे भी आपको मिलवाते हैं। जब हम घर पहुंचे थे उसके थोड़ी देर बाद ही ये आ गई थी, और अभी थोड़ी देर पहले फिर चली गई थी लेकिन फिर से वापस आ चुकी है। आवाज ऐसे कर रही है जैसे लग रहा है कि भूखी हो। बिल्ली आ गई है। अबे ये पहले पाली थी, हम लोग छोड़ के चले गए। अच्छा, तो छोड़ के चले गए तो ये अब आती है घर जब भी आते हैं हम। आज ही आए थे, अभी तुरंत आ गई, घर के आसपास ही रहती है एक्चुअली। यहाँ पे उत्तराखंड में बिल्लियों को काफी पालते हैं लोग बाग, और आप यहाँ आकर देखोगे कि एक ही घर में कुत्ते भी मिल जाएंगे आपको और बिल्लियाँ भी मिल जाएंगी। अब ये डर नहीं दिया, जैसे हम अंदर आए पीछे पीछे आ गई, तो कई दिनों से शायद 6 महीने से मैंने इसको नहीं देखा, आज इसने पहचान लिया। अच्छा, और खाना खाने के बाद हमारा अगला टास्क है आज का, जिनके लिए हम आए थे, ये आम। इस पेड़ पे जितने भी आम लगे हुए हैं वो सारे हमें तोड़ने आज। और आपको थोड़ा गांव का नज़ारा भी दिखा देते हैं यहाँ से। ये हमारे खेत हैं, ये नीचे भी खेत हैं, और सामने घर, उधर की साइड भी घर, कुछ घर ऊपर बने हुए हैं। एक तो आपको दिखाई देते हैं जूम करके, वो सामने है, और कुछ पेड़ इनसे भी ऊपर है कुछ घर, लेकिन वो पेड़ों की वजह से ढके हुए हैं। तो अभी आपको यहाँ कुछ ही घर दिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 घर, एक घर हमारा, एक इसके पीछे, इतने घर यहाँ पे हैं, और करीब नीचे की साइड और हैं 15-20 घर। और यहाँ पे अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ है, काफ़ी अमरूद लगे हुए हैं लेकिन अभी हैं कच्चे सारे के सारे। ये देखिए अमरूद लगे हुए हैं यहाँ पर काफ़ी, लेकिन ये सारे के सारे अभी कच्चे हैं। और हमने जो मक्का तोड़ा था मैंने तो कुछ खा लिया है, अब इसकी बारी है। ये अभी पूरी तरीके से पका नहीं था, उससे पहले ही हमने तोड़ लिया। बाकी टेस्ट खराब नहीं है इसका, अभी मीठा मीठा सा लग रहा है, दूध इसके अंदर बन रहा है, मतलब एक मिल्क की टाइप का। बाकी इसमें इसके न्यूट्रिएंट्स गुण आ गए होंगे लगभग, खाली ये बस थोड़ा दिन और मजबूत हो जाएगा। और अभी और भी लगे हुए हैं काफी हैं, तो उनको पकने के बाद ही तोड़ेंगे अब हम। ये हमने पहले ही तोड़ लिया था, लग रहा था हमें कि जिस हिसाब से इसका साइज था
तो हम सोच रहे थे पक गया है वो, और तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद देखा तो कच्चा था। और जो वो आप सबसे ऊंची चोटी देख रहे हो इस गांव की, एक दो दिन बाद हम शायद यहीं आ जाएंगे वहां से, और उसके बाद कभी मौका मिलेगा तो उस चोटी पे, सबसे ऊंचे वाली पे जाएंगे वहां पे। और उधर ही पास में एक गुफा और है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है, कभी भी जाओ किसी भी सीजन में हमेशा उसके अंदर आपको पानी जरूर मिलेगा। ये अरबी लगभग 1.5 से 2 या 3 किलो तक की हो जाती है। अच्छा, और इस पे सुबह सुबह बारिश की ओस जमा हो जाती है, वो बहुत अच्छी लगती है देखने में। और पानी इसमें टिकता नहीं है, देख पानी नहीं टिकता इसमें, मैंने भी देख। हाँ आराम से गिर, हम पानी नहीं पीते ना। बिल्कुल, शायद चिकना होता है ये, इस पे पानी बिल्कुल नहीं टिकता है, मतलब ये पत्ता गीला हो ही नहीं सकता। डायमंड की तरह चमकते हैं इस पे जब ओस की बूंदें गिरी होती हैं सुबह सुबह। और हमारी मैगी हो चुकी है तैयार। ये देखो घर के मसाले से खड़े खड़े मसाले, देख के तो लग रहा है कि काफी टेस्टी बनी होगी, और खाने के बाद ही पता चलेगा। वाह, बहुत सिंपल मसाले से, कोई ज्यादा मसाला नहीं डाला इसमें। मैगी मसाला भी डाल दिया, साथ में हम अपने खाना भी लाए थे लेकिन थोड़ा कम था, बस एक तरीके से कह सकते हैं कि नाश्ते टाइप में लेके आए थे। 4 रोटी थी, कुछ सब्जी थी, ये थी आलू की सब्जी भुजिया, आलू की, अरे आलू की भुजिया जो कि मैंने सीखी है वहाँ बिहार के लोगों से। अच्छा, बिहार के लोग बहुत पसंद करते हैं इसको, हमारे मैच में बनती थी तो इसलिए मैंने बनाई है, अच्छा लगता है रोटी के साथ। और ये रोटी, पहले मैं अपनी आलू की सब्जी के साथ टेस्ट करूँ इसको। ये हो, मजा आ रहा है अभी, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। भूख के टाइम में कुछ भी बनाओ अच्छा ही लगता है। चलो ठीक है, अभी हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं जो भी काम करेंगे। ठीक है, हमने खा लिया है खाना, और वो आम तोड़ने के लिए तैयार है। ये तोड़ तोड़ के देगा और मैं कैच करूंगा नीचे। और ये आम के पेड़ की डाली इतनी पतली है लेकिन ये फिर भी ऊपर तक चढ़ चुका है आम तोड़ने के लिए, क्योंकि इस पेड़ पे जो आम है वो छुपे हुए हैं पत्तों से, दिख नहीं रहे हैं। और देख ही सकते हो हमने कितने आम तोड़ लिए, अभी तो बहुत सारे लगे हुए हैं, तो और बड़े बड़े आ रहे हैं एक एक करके। और इतने आम ये तोड़ लिए, और वहाँ पे अभी बाकी आम और हैं काफी, तो तोड़ने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। और ये देखिए हमने लगभग सभी आम तोड़ लिए हैं, कुछ यहाँ रखे हैं, और वो पेड़ पे से उतरता हुआ। कुछ जो 2-4 आम 8-10 बचे होंगे तो पत्तों की वजह से नहीं दिख रहे हैं, बहुत घने पत्ते हो रखे हैं। ये देखिए कुछ ये हैं और कुछ वहाँ भी है, तो ये रख दिए हैं पकने के लिए, रख रहे हैं इन्हें अब एक टोकरी में,
बिछा दिए बोरी ऊपर से, फिर रख रहे हैं आम को एक एक करके। लगभग कितने दिन में पक जाएंगे ये? कभी 4 दिन में, कभी 5 दिन में। 4 से 5 दिन में पक जाएंगे ये सारे आम, और 2 से 3 दिन बाद हम भी यहीं आने वाले हैं, फिर इन आमों का लुफ्त उठाएंगे। ये मैं आम पकाना मैंने कभी हालांकि पकाया नहीं, लेकिन मैंने पिछली बार जब हम झारखंड में थे तो वहाँ जंगल में क्या था कि जो पुराने नक्सलाइट लोग थे या फिर नक्सल लोग रहे होंगे तो उन्होंने कुछ आम खाए होंगे, वहाँ उनका कैंप वगैरह रहा होगा, तो उन्होंने बीज वहाँ छोड़ दिए होंगे, तो वो काफ़ी बड़े पेड़ वहाँ उग चुके थे। तो फिर हम लोगों को वहाँ, हमारा कैंप है उस जगह पर आज, तो वो पेड़ उगे हुए तो उन पर आज इतने मोटे, इससे भी ज़्यादा मोटे मोटे आम लगते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, उन्हें कोई नहीं खाता, वहाँ के आदिवासी लोग तक नहीं खाते क्योंकि वो झिक जाते, मतलब उनको पसंद नहीं है वो सब, इतना आम होते हैं वहाँ की, वो उनका मन भर जाता है, फिर रोज खाते ही नहीं उनको। हम लोग जाते थे और कट्टे भर भर के लगभग एक बार में गए 20 किलो 25 किलो ले आए, इतना आम खाया हमने, इतना आम खाया उन दिनों की, तभी मैं इनको पकाना सीखा था। हम लोग तोड़ के लाते थे और एक बोरा बिछाया, सैंड बैग होता था हमारा जिनसे हम मोर्चा बनाते, तो सैंड बैग बिछाया, आम डाले, फिर सैंड बैग बिछाया, आम डाले, इसी प्रकार का तभी थोड़ा लग रहा मुझे कि ये तरीका काम आएगा और ये पक्का आएगा, क्योंकि ये भी सैंड बैग ही है, बोरी है, बस इनमें किसी में दाग ना हो, अगर दाग होगा तो सड़ सकता है, वो सड़ जाएगा। और ये नेचुरल तरीका है आमों को पकाने का, इसमें हालांकि नेचुरल में क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट से कॉर्पोरेट वगैरह कुछ केमिकल्स वगैरह यूज कर देते हैं, उनसे क्या है काफ़ी गर्मी पैदा रहती है और आम पकता तो तब भी है, बाकी उसमें कुछ डिफॉल्ट आ जाता है, केमिकल की चीज़ें तो आना ही आना है, और ये पकेगा बिल्कुल नेचुरल तरीके से, भले ही 3-4 दिन ज़्यादा समय ले लेगा। बिल्कुल, और नेचुरल तरीके से पकाई हुई चीज़ शरीर के लिए भी लाभदायक होती है, कोई नुकसान नहीं करती। बिल्कुल, चलो प्रोसेस हो गई पूरी, और ये आम को ऐसे रख दिया, ऊपर से क्या ढकने वाले हम, ये दरी है। हम लोग छोटे छोटे थे या हमारे भाई बहन, तो अम्मा ने बनाया हम लोगों के लिए सोने के लिए, तो अब ये छोटा रहा नहीं, सब बड़े हो गए तो ये अब काम आएगा आम बनाने में। दरी है ये छोटी सी बच्चों के, दरी है जो अम्मा तो आज भी यूज करती है, देखेगी तो हमको गाली देगी। कोई टास्क है आज के लिए? वापस जाना ही टास्क है अब तो, अब बस वापस जाना है। इन्हीं के लिए हम आए थे, थोड़ा अपना गांव भी घुमा दिया आप लोगों को, तो अभी फिलहाल तो इतना ही,